भाई मकान बना हुआ है कोई भी, चाहे सरकार बना हुआ है चाहे आम आदमी बना हुआ है, बिना जब डाउन के लिए चल रहा है जना आदमी साथ बनाया सोचा यार यो डाउन नालो है कुन्या है, क्योंकि एक यो कोलशियो गांव है जो को नौलगढ़ में पड़ा है, उरे एक कोई सार्वजनिक सी जगह है जकी के मायने कोई नर्स बैठा करती, पहले तो उप स्वास्थ्य केंद्र हो और पाछा उरे जका सैनिक हा वह कहेगी गाँव के मायने जका लड़का फौज फाज की तैयारी करता या और कोई पढ़ाई लिखाई कराया करता बने तैयारी करवाया करता, तो उरे कौन आदमी पूछो के तरीकों करवाई है कि वो जो मकान है थे देख सको अच्छा मोटा मोटा खम्मा ही जिसका आजकल तो शायद ये मिलने भी आफंद हो रहा ही क्योंकि बहुत पिसा लग गया का, और ऊपर ने एक वो लटक रहे भी दिखा है थे देख सको हो खूब लामू है जानो गटर है इस हिसाब को बहुत ही जोरदार कम 40-50 साल पहले को पुरानो मकान बनाया है उरे, और एने के तरीका ढाया गया है वो ते देख सको, और मामलों के है यो पूरे जानने के लिए उरे का एक ग्रामीण ही कुछ फौजी ही गांव के मायने काफी लोग इकट्ठा हो रहे हैं धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं मामलों के है जानने की पूरी कोशिश कर। राम राम बाबा, राम राम बाबा, के मामला है और देर बढ़िया गाटर पड़वा के गिर रखी है इन्हें राजनीतिक नाम देना चाहवा हा। अच्छा, लेकिन राजनीतिक ओखों से गया क्योंकि पिछल बड़ो रहस्य है आज नहीं है दो साल से चल रहे तो थारा उडेड़ बड़ा शाना आदमी का होता सितार आया मामला बिगड़न दिया तो शाना आदमी सुबह 9 बजे फाट जाता के बेरो पड़ा सुबह सर्दी है कि तापमान माइनस में जा रहे हो लाके जैसे भी तुड़ागा दिन में तो से कछिंग हो जा दो दो पर चिरा दीवाने ती जुर थी तो थोड़ा तो ढया कि दोपहर फुड़ा। अच्छा, ओ काम भी कुलबाऊ करवा के रहे हो? हां, सगड़ो ओ सुबह ही धूल बहुत जोर की 50 मीटर तो 20 मीटर तक दिख रहे हो कणा सी बेरो पड़े पाथा ने मैं थोड़े 2:30-11 बजे आया जा बेरो पड़े की तोड़ गई सन क्या भी रोपना है मैं ढंग 3 किलोमीटर दूर रहा। अच्छा, फिर आवाज उठाई थे? आवाज तो उठाने में तो पहले दिन अभी नहीं तो मैं तो बारह में नाऊ उठाया उठाया मामलो क्या है वो पूरा मामलो बस हो गया घर ही बैठे दुकान बनाना चाहूँ इन हटा कि आप कॉम्प्लेक्स बनाना चाहूँ मामला ये है और कोई नहीं है। अच्छा, यह बात तो आ तो सरकारी बताऊँ है ना कि भाई उरे तो जमीन ही सरकारी है 13 बीघा गोचर भूमि है। अच्छा, सरकारी में ये गोचर भूमि है सरकारी में मतलब कॉम्प्लेक्स बनाना चाहूँ इन अठा दिन वो कॉम्प्लेक्स बन जाए बात जिकी है के काम में लिया करता इन्हें इन पुराने 50 साल से वो था उप स्वास्थ्य केंद्र और उसके बाद में वो अब तारनाका हॉस्पिटल बन गया नर्सर बे तो चली गई बड़े अब यह जगह होगी खाली तो आज जगह किने सबूत करेगी सुधर भी है कि पहला पिलरपुर जरा पूछो स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य विभाग बोला तोड़ दो थान साइज थी साइज थी तोड़ दी और बाकी बात छोड़ दी। अब फौजी बोला मैं एक लाइब्रेरी बना लिया टापरा के लिए पटन बना लिया बहुत अच्छी बात है तो ऐसा किन्नर बैठे लिखित में लिया पंचायत से परमिशन ले ली पंचायत परमिशन ले गई पंचायत ने इसको परमिशन दी थी कि इसमें सैनिक भी मतलब चलाया जा सकता सैनिक लाइब्रेरी और पुस्तकालय सेवा कर सके गांव राम के मैं तो बच्चा ही कोई और आस पास का गरीब और इसमें आपको शक है तो देखो टेबल अभी भी गली हुई है। अरे बाबा डेढ़ बड़ा आदमी का धारगन सक करने गुणजा सके ये फोटो भी लो दिखाने के लायक है कि अंदर देखो वॉशरूम में है फोटो और लो इस दीवार के पीछे है कि सरपंच ने 3 दुकानों की नींव रखी है। अच्छा, सरपंच ने की दादागिरी है वर्तमान सरपंच ने ही ये सारा काम किया है अपने निजी स्वार्थ के लिए जबकि इसका न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो गांव की सहमति कोने ली नहीं कोई गांव की सहमति नहीं बिना सहमति गई किसी अच्छा अच्छा 16 तारीख की पेशी इसकी पेशी भी है उसमें 17 की है अच्छा तो अब के चाहो थे जगह ओटी सेट करना चाहो हो या कोई और ना जगह बनाना चाहो हो दोषियों को सजा मिले पहले उनको गिरफ्तार करो उनको सजा दो नहीं दूसरी जगह न किसी तो सार्वजनिक किसी निजी भी तोड़ देंगे ये तो एक ही कार्रवाई के लिए ठेके कर रखा है एफआईआर दर्ज करा के प्रदर्शन धरना चाहिए प्रशासन आओगे मतलब जब तक तारो काम न हो तब तक मानो को धरना होगा और पूरे दुनिया जिले के नौलगढ़ गुड्डा के सैनिक आकर के हम धरना पर रखे गाँव ही बहुत है सैनिक की जरूरत ही नहीं है यहाँ नहीं गांव तो बोलो तो जहाँ तो फूटता ही क्यों हो गांव तो शामिल विरोधी है नहीं भाई तो फौजी आदमी हो ना बिना अपने समाज में के सोचे कि फौजी आदमी हो है वो थोड़ो स्ट्रोंग मान्यो जाए या रियलिटी है यार समाज में जाऊंगा ना पता चल जाओ तो जो थारे शहर का थे मेरे मामा बोला ही हो फौजी फौजी होते और इतना फौजा का होता से त्या और जो दियो काम हो गोजना अच्छा बुढ़ा के काम कर ली मैं तो रिटायर्ड टीचर हूँ लेकिन फौजी ही ना मामला कोर्ट में चल रहा फौजी कौन कौन सा है ये ही ना फौजी ये रहा थे मैं मेरे किसान हूँ किसान होते किसान अच्छा अच्छा और देर सा किसान थे किसान फौजी
एक है फौजी है, अरे बबूड़ी लागे भी फौजी सो या पाको फौजी है। कितने दिन होगा रिटायरमेंट लिया? रिटायरमेंट होगा 20 साल। 20 साल रिटायरमेंट का होगा? पेंशन बराबर मिल रही है ना? बराबर मिल रही है। 65 साल उम्र बाबा डाडी ड्यूटी बनवा ले जा तो एकदम टापर सो लग लाए जा है। उम्र कम दिखा रहे हो शरीर है के राज जाएगो घर का के चराऊं है। फौज को ये काम बॉडी स्ट्रांग बन जाए। नाटू करके दे रहा कहीं मेथी का? मेथी का लेगे ना बाबा, मन्ने भी लानी पड़ती है सिर पाचे की। लानी पड़ेगी तो देखो मन कौन लिया ऑर्डर ने ले लिया, देखो रिटायरमेंट भी आ गए तो नेवी में ऑर्डर नहीं थी। अरे नेवी में ऑर्डर ही थी है। बकरियों भी एक जिम्मा रखे? बकरियों भी मतलब खरना तो डारा गया था ना ये के? तो गांव में जो सरपंच है जो कोते धरनो दे रखे है तो थारे धरने पर कोई सरपंच के विधायक के कोई प्रधान कोई आयोग अड़े तन सम्मान के लिए आयोग कोई नौरंग सिंह जी पूर्व विधायक थे वो आए, बाकी अभी कोई नहीं आया, न सरपंच आया न कोई कोई विधायक आया। अजय विधायक आ रहा है अभी, उसका वो कैंप चल रहा है उसमें है। और वो खत्म होने के बाद में होगा। जैसे ही सरपंच पति पूर्व सैनिक पीछे पड़ रहे हैं, जबकि बिल्डिंग मालिक होनी है आज सीएससी विभाग की है, बाकी जमीन है। राम राम जी। राम राम जी। क्या करवा रहा क्यों है दगड़िया दगड़िया भगवा रहा रखे को तो थाने भी दिखा है। दिखा है पर मामलो बताए तो मेरे पास। अच्छा मामलो है यो कि यो हो स्वास्थ्य केंद्र पहले और ये है कम से कम 60 साल पुराना। इसके बाद में दूसरा सीएससी बन गया हॉस्पिटल गांव में, तो इसका उपयोग हो गया बंद। फिर इसके अंदर दे दिया आंगनबाड़ी केंद्र, फिर आंगनबाड़ी केंद्र को दूसरी बिल्डिंग मिल गई वो उसमें चले गए, फिर खाली हो गया। 2018 में भूतपूर्व सैनिकों को ग्राम पंचायत के अंदर प्रस्ताव लेकर के और ये सेना को भूतपूर्व सैनिकों को अलॉट कर दिया। उसके अंदर पीडब्ल्यूडी विभाग चिकित्सा विभाग सबसे अनुमति लेकर के उन्होंने हमारे को अनुमति दे दी कि आप इसको रिपेयर करो, संचालन करो और चलाओ। जब जरूरत पड़ेगी हमारे को तब हम इसको खाली करवाएंगे, तो आपको सशर्त आपको देते हैं जी। तो ये है सरकारी बिल्डिंग, इसके रख रखाव की जिम्मेवारी थी भूतपूर्व सैनिकों की। सड़क निकली तब ये यहाँ पर थोड़ा सा सड़क के बीच में आ रहा था ये, तो पीडब्ल्यूडी ने जितना ऑर्डर दिया उतना उन्होंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में हमने इसको जितनी दूर में तोड़ा उस जगह को छोड़ करके और इसकी रिपेयरिंग करवाई। इसके ऊपर 4.5 लाख रुपए खर्च किए भूतपूर्व सैनिकों ने। उसके बाद में ये बिल्डिंग तैयार होगी, इसमें एक पुस्तकालय बनाया, एक मीटिंग हॉल बनाया, लेटरिन बाथरूम का इसके अंदर पूरा प्रबंध किया, पूरा सामान साजो सामान ही जमा रहा कहते तो हाँ सब पूरा सामान किया इसमें, मतलब हर सुविधा पैदा की इसके अंदर। इसके बाद में सरपंच का जो ईगो था, सरपंच तो क्या ईगो करेगी, उसका पति है एक, उसका ईगो था एक कि अगर ये बिल्डिंग यहाँ खड़ी रही तो मैं पीछे की साइड में जो कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ दक्षिण साइड में, उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नेम खोदी हुई है, नेम भरी हुई है वो, तो आगे ग्राउंड दी मैं जरा उसको दुकानों के आगे रहते चढ़गा धक्का है, तो उस धक्के में हम चढ़ गए और इसको तोड़ दिया इन्होंने। यह बात और ना तो कोई प्रशासन साथ आया तोड़ने के लिए, ना उनके पास में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था जिनको उनको अनुमति मिली हो। तीसरा प्रशासन तोड़ता है तब सामान की नीलामी भी करता है, मतलब तारे साहबू मन मर्जी कर गिरी, मन मर्जी कर दी भाई बात है ना, मन मर्जी बिल्कुल साहब। केस चल रहा है हमारा अभी, उन्होंने हमारे पर केस किया था, फौजियों ने इस पर कब्जा कर रखा है, तो उसी 17 तारीख को फिर दोबारा उसकी हमारी पेशी है, तो बीच में बोला है वो, तो उस केस चल रहा है, फिर भी इन्होंने बोलता है हम केस जीत गए। अच्छा हम वहाँ पर तुरंत ये घटना होते ही तुरंत वहाँ पहुँचे और मुझसे पता किया, बोला नहीं 17 तारीख की तो अभी फिर दोबारा पेशी है, तो मैं तो टूट गया, बोले तोड़ा कैसे, बोला वो तो हमको पता, आप पूछो कोर्ट हो आप, तो आपका भी कहना नियमों का उल्लंघन किया कोर्ट के ऊपर हो गया वो तो जी। फिर एक तिरंगा था यहाँ पर, तिरंगा बनाया था ये बड़ा देखा, अच्छा एक ऊपर हो गए तिरंगो हाँ, तो वो झंडा भी वो भी गिर गया, फोटो लगाई थी गिर गो या गिर दियो गिर दियो वो तिरंगे का अपमान किया, राष्ट्र का अपमान किया, सैनिकों का नहीं गांव का नहीं, ये सरपंच पति ने राष्ट्र का अपमान किया, तो तिरंगा को तोड़ा है, तिरंगा तो गलती है हाँ, तो तिरंगा का क्या था उसमें, तो देशद्रोही घोषित करना चाहिए इनको, देशद्रोही घोषित करना।
तो मामलो पूरा थाने दिखायो, थारा समझ में बैठी होगी। मेरो थारो ओ कहना है कि वीडियो ने लाइक शेयर और कमेंट करी, और कमेंट में थानी यह बतानी है कि अजका गांव का कर रहा जो काम गांव की जगह सेवा कर रहा, अजका बच्चा नौकरी लगने वाला हा बन एक नई दिशा देने के लाग रहा है, यो काम किसोक लागो था। गांव के मान जो स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर और टेंट लगा के उड़े धरना धरनों प्रदर्शन पर बैठे ही, और आकी आई डिमांड है कि माने न्याय मिले, क्योंकि यही बात है ना आई बिल्कुल सर, सत्ता न्याय होना चाहिए इसके अच्छे काम करने वाले। अगर बाढ़ खेत को खाने लग जाएगी तो उस खेत की कोई रखवाली नहीं है जी। अगर सर अगर मतलब सामाजिक या स्वास्थ्य विभाग या किसी का भी जो सरकारी भवन है उसका संरक्षण का कार्य प्रतिनिधि का होता है, अगर वही गलत काम करेगा तो शायद मेरे हिसाब से हाँ गाँव को रुखाड़ो है। अगर सर तो उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। कनासी का बैठा होते कई बजे बैठा करो मैं बैठा तो काल का होता है, काल का बैठा था सूर्य उदय उतना ही बैठ जाओगे हैं। और अब कई बजे तक उरे रहे होते 28 होगा हैं मतन देरो रे को देखता अच्छा नहीं रहता 6 होऊंगा 5-7 भी क्या बताया जी 5-7 भी उरे ही सोऊंगा बाबा ने तो सुझान दिया आपने तो घर चाली ना मुझे कहना जाऊंगा मना आतड़ी थोड़ी यहाँ ढीली लगी हाँ ढीली इसलिए तो वो आई आई रंगा मुझे सोंगू जाके करा हाँ घर का चरको चार को गाल दे ना बाबा तो गाल दे पर चरको चलने को ना हाँ चलने को छाना आदि मैंने सुना दस ने जो बदमाश भी कौन करे अच्छा यह है बात रुखाली रखे रात ना तोड़ जाए दौड़ा दो पर ही तोड़े है 9:30 ओस बताऊं ये तो दूर बतावा दूर तो ही पर 9:30 तो दिन तो गई आवे है देखा वाली तो वही देखा वाली तो दिख रही तो ही सने दिख रही तो तोड़े तो ना आंखा देखता ही हो गयो काम आंखा देखता है लोग खड़े देख रहे बड़े ये भी बता रहा कि जो झंडो है ना देश को जो तिरंगो है तिरंगे के लिए भी आंख है कि बिन भी पटका पट बिल्कुल पटक सबसे पहले जो तिरंगो सैनिका को दीवार पे मांडो सबसे पहले भी सूंड की मारी तिरंगा पर अच्छा। और फिर तिरंगा मार के भागो फिर दोबारा आई दो तीन बार रिचार्ज हो गया वो अटेसा मठे को है तो भाग्या ते जान जान कोंदा माखन को भाई बात हो जो प्रशासन करे तार आज कानून ले लियोगे फौजदारी मनाने को नहीं अच्छा कानून लड़ाई लड़ रहे हो हां आई बात है ना हाँ, प्रशासन कहते मैं पकड़ जावा तो प्रशासन आप बोल दे तो आत्म कानून ले लियो मेरे खड़ा खड़ा देख रहा ना तो भाग्या तो गुंजार देता भाग्या तो पकड़ जावा बाबा भगवान जी दाओ ज्यादा ही आज दाओ तो गबोरा कहां सके आएंगे तो ये और आको क्यों सी जवान आदमी है अच्छा यह बात है बुड्ढा सिम धारिया कोई 80 का 80 का तो कोने है ओ 80 में भी 32 हां 32 हां अब बाबा चाहे 80 का बताओगा तो भी मैं तो मानना हीगा पर मेरे बाद में रोटी देने के दो तो देने के लिए दो शाम के लिए और दो दो और गुड लियो है कि खोर सेड़ो कौन करे तो है खोर सेड़ो करना टा नाम है बीड़ी को क्या कौन नसो पतो कौन करे ताऊ जी नहीं पहले पुराना टाइम में करया करता अब चिलम भी छोड़ दी नहीं चिलम भी रखता वो को भी पीता बीड़ी पीता पर अब कौन पीऊं अब आपका बाजरा का रोड दिन का ले ली दो रोड शाम की ली बाजरा का और मस्त रहे आई बात है कि बाबा बात तो सही समझ थोड़ा तो पछाया दूधनी कह छुट्टी ठीक है दूधनिया पे काम सो एक तो थालो करो ना सामान हूं आ रहा कमजोरी की है आप बाजरा को नसो है आ जाइए कमजोरी की दूधनी को मां के बेरुके कर लो थे।